बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का। आज लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टूडेंट्स कंटिन्यू था। तो आज के लेक्चर में मैं स्टूडेंट डिस्कस करूंगा आपके साथ क्वांटिटेटिव वेरिएबल विद डेसिमल नंबर के लिए एक एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर देना। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। The contents of this lectures are students formation of frequency distribution का topic है, जिसमें हम लोग prepare करेंगे frequency distribution को। और example 2.1 को मैं discuss करूंगा, which is of quantitative variable, और इसके साथ एक छोटा सा topic discuss करूंगा, that is the relative frequency distribution, और इसको भी मैं example 2.1 पर apply करके calculate करूंगा relative frequency distribution को। Now students, I will discuss the example 2.1 is of quantitative variable with decimal number. Statement of example 2.1, the waist measurements in inches of 40 children aged 5 to 10 years are given below. तो students, यहाँ पे हमारे पास 5 to 10 years के 40 children का data given है और उनके waist given है in inches के अंदर। तो students, ये मेरे पास एक quantitative type का variable है, यानी continuous type का एक variable है, उसको मैं discuss कर रहा हूँ। और जिसमें मेरे पास जो data set है, वो आपके पास 1 decimal places तक जो है, वो आपके पास data set given है। तो इसकी first observation students, आपके पास 19.3, 16.9, 17.9, 17.3, 15.8 एंड सो ऑन। ये आपके पास देयर आर द 40 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, यहां पे ग्रुप डीज डेटा इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग 1 एज अ क्लास इंटरवल। तो यहां पे यूज करेंगे हम लोग एज अ 1 एज अ क्लास इंटरवल, यानी हमारे पास यहाँ पे h की वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है, और उसके साथ हमारे पास जो क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल 13.5 टू 14.4, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, आपने स्टार्ट लेना है 13.5 से, और आपका फर्स्ट ग्रुप जो है वो क्लोज हो जाएगा 14.4 पे। और नेक्स्ट आपके पास जो ग्रुप उन्होंने गिवन किया है 14.5 से 15.4 एटसेट्रा। तो इस तरह इस पैटर्न पे आपने ग्रुप्स को अपने जो है वो अपने नेक्स्ट ग्रुप्स को फाइंड करना है, और देन फिर आप लोगों ने क्लासेस का कॉलम जो है वो क्लास लिमिट का कॉलम प्रिपेयर करना है। आल्सो डिटरमाइन द क्लास बाउंड्रीज एंड क्लास मार्क, और एंड पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद आपने क्लास बाउंड्रीज का एक कॉलम भी प्रिपेयर करना है, और आपने क्लास मार्क्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, की आपके पास क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशंस का डाटा गिवन है और वेस्ट का डाटा है, और उसमें हमारे पास ग्रुप्स भी गिवन है और इंटरवल साइज भी हमें गिवन है। तो इन तमाम इंफॉर्मेशन को हम यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले राइट करना है, आपके पास एच की वैल्यू 1.0 है, इसको हम एच से डिनोट करेंगे इंटरवल को, h इक्वल टू 1.0। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन अगर आप लोग फाइंड कर लें अपने डेटा सेट के अंदर, तो वो आपके पास 13.9 है, और ये आपके पास स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे x नॉट से। तो x नॉट लिख सकते हैं इसको, x नॉट इक्वल टू 13.9। और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स अगर आप फाइंड करें अपने डेटा सेट के अंदर, तो विच इज़ द 23.4, जो कि थर्ड आपके पास रो में गिवन है, सेकंड ऑब्जर्वेशन 23.4, इसको डिनोट करेंगे एक्स एम से। इससे हमें ये वाजे हो जाएगा कि हम लोगों ने अपनी डाटा सेट जो है वो कंप्लीट करना है 13.9 टू 23.4। आपकी तमाम क्लासेस जो हैं वो एंड हो जाएंगी 23.4 के अंडर। तो इस पे ये आपके पास जो है यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस थी 40 ऑब्जर्वेशन, जिसके अंदर जो है रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मैंने स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को जो है वो क्या फाइंड कर लिया है। प्रिपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू क्लासेस आर गिवन इन द क्वेश्चन। और फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो 13.5 टू 14.4 का ग्रुप हमें गिवन है, और सेकंड ग्रुप 14.5 टू 15.4 भी स्टूडेंट्स हमें यहां पे गिवन है। तो फर्स्ट कॉलम में क्लास नंबर से कॉलम में हम दोनों ग्रुप्स को राइट करेंगे, और इसके फर्दर जो ग्रुप्स हैं इनको प्रिपेयर करेंगे। और स्टूडेंट्स, यहां पे इंटरवल जो है वो हमें h इक्वल टू 1.0 गिवन है, तो 1 का इंटरवल 1 बाय 1 इसको ऐड करेंगे लोअर क्लास लिमिट्स के अंदर। तो फर्स्ट आपकी लिमिट 13.5 है, सेकंड लिमिट आपकी 14.5 है, आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये आपके पास 15.5 आ जाएगा। देन फिर आपने अगेन जो है इसमें 1 ऐड करना है, तो ये आपके पास 16.5 आ जाएगा। अगेन आप 16.5 में ऐड करेंगे 1, और आपके पास आ जाएगा
17.5। तो इस तरह से आप लोग जो है वो लोअर लिमिट्स को प्रिपेयर कर लेंगे। तो राइट साइड पे अपर लिमिट्स को प्रिपेयर करने के लिए सेम पैटर्न पे आपने 1 का इंटरवल ऐड करते जाना है। तो 15.4 में ऐड करेंगे 1 तो आपके पास 16.4 होगा, 16.4 में स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे 1 तो ये आपके पास जो है 17.4 होगा, और 17.4 में आपने ऐड करना है 1 तो ये आपके पास 18.4 होगा, और 1 by 1 आपने जो है वो इसमें 1 का इंटरवल ऐड करते जाना है, और एंड पे आपके पास जो है स्टॉप करेंगे इसको 23.4 पे। 23.4 आपके पास लास्ट क्लास की अपर लिमिट होगी, और ये लास्ट ग्रुप 22.5 से 23.4 है। आपकी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टूडेंट्स मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 23.4 है, और यहाँ तक आपने जो है क्लासेस को प्रिपेयर करना है। तो 23.4 की ऑब्जर्वेशन जो है वो आपके पास लास्ट क्लास में जो है वो कवर हो जाएगी। देन स्टूडेंट्स आपने फिर टेली मार्क्स का कॉलम जो है वो उसको प्रिपेयर करना है, और 1 by 1 अपनी ऑब्जर्वेशंस को जो है वो क्लिक करना है, और उसको पर्टिकुलर कॉलम में जाके आपने एक टेली मार्क यूज़ करना है एक ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो पहली फर्स्ट ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स आपके पास 19.3 है आपके डेटा सेट में, और 19.3 जो है वो आपकी इस पर्टिकुलर कॉलम इस पर्टिकुलर जो आपके पास ग्रुप है इसमें फॉल कर रही है। 19.3 18.5 टू 19.4 में फॉल कर रही है, और आप यहाँ पे एक टेली मार्क यूज़ करेंगे, और सिमिलरली आपने तमाम ऑब्जर्वेशंस के लिए आपने उसको क्लिक करना है आपके डेटा सेट गिवन में, और उसको पर्टिकुलर जो आपके पास ग्रुप है उसमें आपने चेक करना है, और उसको आपने वहां पे जाके उसको टेलीमार्क यूज करना है। नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी का होगा, और फ्रीक्वेंसी आपको इसको आप एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे आप एफ भी राइट कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी में सिंपली आपने जो है वो स्टूडेंट्स अपने जो टेली मार्क्स हैं इनको काउंट करके राइट करना है। फर्स्ट क्लास में आपके पास टेली मार्क 1 है तो आप 1 राइट करेंगे, सेकेंड क्लास में आपका टेली मार्क 1 है आप 1 राइट करेंगे, थर्ड में आपके पास 3 टेली मार्क्स हैं तो आप 3 राइट करेंगे, नेक्स्ट में आपके पास 5 + 3 8 है 8 राइट करेंगे, और नेक्स्ट आपके पास जो ग्रुप है उसमें 5 + 4 9 है, देन 5 + 5 10 3 2 एंड 1 तो ये आपके पास टोटल जो है वो 40 ऑब्जर्वेशंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, और इसको आप लोग जो है वो यूजिंग कैलकुलेटर इसको ऐड कर लें, और ये आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस होंगी समीशन एफ ये आपके पास 40 ऑब्जर्वेशंस का डाटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे आपने अपनी टोटल ऑब्जर्वेशंस को डिफरेंट ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं समीशन एफ को विच इज एन। देन फिर आपने नेक्स्ट जो कॉलम प्रिपेयर करना है क्लास बाउंड्रीज का, और क्लास बाउंड्रीज के लिए आपको यूज़ करनी है क्लास लिमिट्स को, और पैटर्न आपको सेम पैटर्न पे आपने उसको बनाना है जैसे मैं ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने फर्स्ट टू क्लासेस को कंसिडर करना है, और इसमें डायगनली इसका डिफरेंस लेना है। डायगनली आप जब इसका डिफरेंस लेंगे तो ये आपके पास 0.1 का डिफरेंस आएगा, इसको आप राइट कर लें, और 0.51 को आपने डिवाइड कर देना है 2 पे, और ये आपके पास 0.05 होगा। 0.05 को स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे अपनी क्लास बाउंड्रीज को प्रिपेयर करने में। 0.05 ये आपने तमाम जो है वो क्लासेस में यूज़ करना है क्लास लिमिट्स में, और ये आपके पास यहाँ पे फर्स्ट जो क्लास है उसमें आप 13.5 है, 13.5 में स्टूडेंट्स आपने 0.05 को सब्ट्रैक्ट करना है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 13.45। नेक्स्ट आपके पास लोअर लिमिट 14.5 की है, 14.5 में आपने 0.05 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास 14.45 होगा। नेक्स्ट आपके पास 15.5 है, 15.5 में आपने 0.05 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आपके पास 15.45 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 16.5 है तो ये आंसर आपके पास 16.45 आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने लोअर लिमिट्स को यूज़ करते हुए आपने लोअर बाउंड्रीज को प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे मैंने इसकी लोअर बाउंड्रीज को प्रिपेयर कर दी है, और देन फिर आपने स्टूडेंट्स अपर बाउंड्रीज में क्या करना है कि आपने अपर लिमिट्स जो आपको गिवन है सी एल के कॉलम के अंदर इसमें आपकी 14.4 है अपर लिमिट, इसमें आपने 0.05 जो आपने फाइंड किया है वो ऐड कर देना है तो ये आपके पास 14.45 होगा। नेक्स्ट आपके पास 15.4 है और 15.4 में आप ऐड कर देंगे 0.05 को तो ये आपके पास 15.45 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 16.4 है अपर लिमिट ऑफ थर्ड क्लास तो ये आपके पास ऐड करेंगे तो 16.45 होगा। तो सिमिलर पैटर्न पे आपने अपनी बाउंड्रीज को प्रिपेयर कर लेना है, और ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज का कॉलम जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा
यूजिंग दिस पैटर्न. और देन लास्ट कॉलम जो हमने प्रिपेयर करना है विच इज ऑफ क्लास मार्क. क्लास मार्क को आप डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स से, और इसको हम लोग मिड पॉइंट्स भी कहते हैं. और इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने फर्स्ट जो टू क्लास लिमिट्स है उसको आप कंसिडर कर लें, और फर्स्ट क्लास लिमिट्स को कंसिडर करके आपने 13.5 और 14.4 दोनों लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट्स को ऐड करके 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 13.95 का होगा. और नेक्स्ट आपके पास जो सेकेंड क्लास है उसमें आपकी लोअर लिमिट जो है यहाँ पे 14.5 की है. 14.5 प्लस 15.4 और ये आपके पास आ जाएगी, ये 15.4 ऐड करेंगे दोनों लिमिट्स के और इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 14.95. तो 1 के इंटरवल के साथ आप इसको डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आप 1 का इंटरवल है और आप लोग जो है वो यहाँ पे इसको डायरेक्टली राइट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 14.495 में आप ऐड करेंगे 1, 15.95 में 1 ऐड करेंगे 16.95 में अपने 1 ऐड करना है 17.95. तो सिमिलर पैटर्न पे आप लोग जो है वो अपनी क्लास मार्क्स मिड पॉइंट्स को भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके कॉलम को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ये आपके पास दोनों कॉलम्स मैंने प्रिपेयर कर दिए, क्लास बाउंड्रीज का और क्लास लिमिट्स क्लास मार्क का और यूजिंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ स्टूडेंट्स आई विल डिस्कस अनदर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज ऑफ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. Relative frequency distribution, the frequency of a class divided by the total frequency is called the relative frequency of that class. आप particular class की frequency को total frequency पे divide कर देंगे तो that is called relative frequency of particular class. It is generally expressed as a percentage. The sum of the relative frequencies of all classes is 1 or 100%. तो students इसका formula यहाँ पे relative frequency का इसको मैंने denote किया है R dot F से, और इसमें आप लोग पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देंगे समीशन एफ से. समीशन एफ इक्वल टू एन और ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे तो हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड कर देंगे, डेट इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. और इसको अगर परसेंटेज में आप शो करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और इसकी सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो 100% आएगा. और अगर सिंपली आप यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर रहे हैं समीशन एफ पे तो इसका सम आपके पास जो है टोटल सम जो है वो 1 होगा. तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास एक तरह की जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डेट क्लास होती है, यानी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास शो कर रही होती है कि आपके पास कितने परसेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है लाई कर रही है इन अ पर्टिकुलर क्लास में. तो डेट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इन एग्जाम्पल 2.1 आई विल कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. After preparing frequency distribution, students, now I have to calculate the relative frequency distribution. For relative frequency distribution के लिए students हमारे पास columns की class limits और frequency का column given है और frequency के column को use करेंगे और prepare करेंगे relative frequencies को. तो frequency first class की frequency students आपके पास 1 है और total frequency जो है हमारे पास summation f equal to 40 है. तो 1 को divide करेंगे 40 पे, it means that के आपके पास जो है वो first class की जो है वो relative frequency 1 divided by 40. अगर इसको आप लोग जो है वो points के decimal की form में लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास 0.025 है. इट मींस दैट के 2% चांसेस हैं कि आपके पास जो है फर्स्ट क्लास में 1 ऑब्जर्वेशन जो है वो लाई करने के चांसेस आपके पास 0.02% है. सेकंड में आपके पास अगेन जो है 1 डिवाइडेड बाय 40 होगा, 1 को 40 पे डिवाइड करेंगे अगेन आपके पास 0.025 आंसर होगा. थर्ड आपके पास क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 को टोटल पे डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 40 आपके पास आंसर 0.075 है. इट मींस दैट के द चांस ऑफ अकरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड क्लास 0.075, यानी इट मीन दैट 8% चांसेस हैं कि आपके पास जो है वो आपकी नंबर ऑफ 3 ऑब्जर्वेशंस के आने के चांसेस जो हैं वो आपके पास 8% है इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर. नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो 8 है फ्रीक्वेंसी, 8 को डिवाइड करेंगे 40 पे तो ये आपके पास जो है 8/40 और आंसर आपके पास 0.20, इट मीन्स दैट 20% चांसेस हैं. तो आपके पास 1 by 1 आपने तमाम फ्रीक्वेंसीज को जो है स्टूडेंट्स आपने सबसे मिशन एफ पर डिवाइड करना है और इसको राइट करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, और एंड पे जब आप इसको सम करेंगे
तो ये आपके पास सम जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो सम ऑफ द ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और अगर आप इसको परसेंटेज फॉर्म में शो करना चाहते हैं तो आपने हेडिंग देनी है परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने तमाम फ्रीक्वेंसीज को जो है वो 100% से मल्टीप्लाई करना है और परसेंटेज में राइट करना है। तो 0.025 को आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5%। नेक्स्ट में भी आपके पास अगेन 2.5%, 0.075 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर इज 7.5%, और 0.020 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज 20%। तो इसका सम जो है वो इस कॉलम का सम जो है वो आपके पास 100% होना चाहिए। तो ये आपके पास दो कॉलम्स मैंने प्रिपेयर किए हैं यहाँ पे, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का और एक परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो दिस इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके लिए आपको जो है वो फ्रीक्वेंसीज का कॉलम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जो कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास जो है वो गिवन होती है। तो इस पैटर्न पे आप लोग स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तरह की आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, यानी कि आपके पास जो है इस पर्टिकुलर क्लास में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के आने के चांसेस क्या हैं। तो आपके पास अगर लेट्स से यहाँ पे जो है वो 8/40 है, तो आपके पास 20% चांसेस हैं कि आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस जो है वो 20% चांसेस है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस जो है वो इस पर्टिकुलर क्लास में फॉल कर रही हैं। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को विद क्वांटिटेटिव वेरिएबल के साथ, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है वो मेरे पास गिवन था 1 decimal प्लेसेस के ऊपर, और इसमें मैंने प्रिपेयर की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम, और दैन फिर मैंने क्लास बाउंड्रीज और क्लास मार्क को भी डिस्कस किया, और एंड पे मैंने आपके पास एक छोटा सा टॉपिक जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।